जय भीम, जय मूल निवासी। मैं शैला, एमएनटी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की विशेष खबर। BS4 के राष्ट्रव्यापी अभियान के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिला सतना मध्य प्रदेश में BS4 अभियान के संदर्भ में मूल निवासी संघ प्रदेश अध्यक्ष माननीय KP जाटव की अध्यक्षता में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में BS4 महाअभियान के मध्य प्रदेश राज्य प्रभारी माननीय DS पाटिल ने BS4 अभियान के संदर्भ में मार्गदर्शन किया। साथ ही अन्य प्रतिनिधियों द्वारा BS4 राष्ट्रीय अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। मध्य प्रदेश के BS4 अभियान के संदर्भ में सतना में आयोजित RPF स्कूल में प्रशिक्षण कार्यक्रम BS4 महाअभियान के मध्य प्रदेश राज्य प्रभारी माननीय दुष्यंत पाटिल इनकी मौजूदगी में सफलतापूर्ण संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता मूल निवासी संघ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय KP जाटव इन्होंने की। कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट RS वर्मा एवं प्रोफेसर अजीत जायसवाल के द्वारा संविधान के सम्मान, समर्पण, संवर्धन एवं सुरक्षा के औचित्य के संबंध में विस्तार से मार्गदर्शन किया गया। साथ ही दिनांक 17 फरवरी को रैली एवं 20 फरवरी को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने की जानकारी भी दी गई। नमस्कार, मैं पुष्पेंद पटेल MNT न्यूज नेटवर्क से। अभी ये देशव्यापी BS4 महाजन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, तो हमारे साथ है एडवोकेट RS वर्मा जी, की मौत से हैं और CC मेंबर मूल निवासी संघ, तो इस BS4 के बारे में विचार जी। धन्यवाद, आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। हमारे देश का जो संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को हमने शपथ ली हम भारत के लोग के साथ, लेकिन उस शपथ के लेने के बावजूद जब 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान लागू कर लिया, लेकिन संविधान की जानकारी हमारे लोगों को नहीं हो पाई और जानकारी नहीं हो पाने का उनके अधिकारों को नहीं मिल पाए। और जब जैसे जैसे हमारे समाज में थोड़ी थोड़ी जागरूकता आई, उसी तरह से इन साथियों ने, साथी आदमियों ने हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया और संविधान को विकृत करने का काम कर रहे हैं, जैसा कि बाबा साहब ने कहा भी था। बाबा साहब ने इसके लिए आपका संगठन क्या कर रहा है? हमारा संगठन BS4 चलाकर भारत के सम्मान, भारत के संविधान के सम्मान में, समर्पण में, संवर्धन में काम कर रहा है, जन जागरण ला रहा है कि लोगों को पता हो कि भारत के संविधान में किस तरह से शक्ति संपन्न बना रहा है। हमारे साथ अशोक बौद्ध जी हैं, मूल निवासी संघ के जिला महासचिव सतना से हैं, और आप इस BS4 में कुछ रैली और कुछ ज्ञापन के माध्यम से ये कैसे कब करेंगे? जी, ये देशव्यापी महाजन जागरण अभियान 1 माह से चल रहा है और हम लोग 17 फरवरी को महारैली का आयोजन करेंगे और 20 फरवरी को राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर के द्वारा ज्ञापन सौंपेंगे। तो ये 10% रिजर्वेशन अभी सरकार ने लागू करी है, तो इसके लिए आप राज बहादुर जी सपना से हैं, तो आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? ये 10% आरक्षण जो इन्होंने दिया है सभा में, ये संविधान विरोधी। भारत के संविधान में जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियाँ थे, आरक्षण की व्यवस्था उनको, और इन्होंने आर्थिक आधार बना दिया। यह संविधान के साथ खिलवाड़ है जो घोर निंदनीय है, इसका विरोध कर रहे हम कर रहे हैं, घर घर जाके कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है जो ये कर रहे हैं, और ये तो ऐसे लोग हैं, ये उन लोगों के सपोर्टर हैं जो संविधान को जलाने का काम करते हैं। और ये जो हमारी सरकार में जो बैठे लोग, ये इनका उद्देश्य कुछ लोगों का भला करना है। इसको आप जिला स्तर पे या प्रदेश स्तर में किस स्तर में कर रहे हैं? ये तो घर घर पूरे जिला स्तर से होगा, गांव स्तर से होगा, पंचायत स्तर से होगा, सब जगह से जा जा करके, और इसका अभियान चल रहा है। मतलब पूरे भारत में आप कर? पूरे भारत में कर। इसमें मूल निवासी संघ के जिला अध्यक्ष हैं, और तो आप तो इसके बारे में क्या करें, देश में संविधान को लागू नहीं हो पा रहा है, तो आपका संगठन और आप क्या कर रहे हैं? सर, मैं सबसे पहले आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि संविधान कितना भी अच्छा बना हो, वो खराब साबित होगा अगर उसे लागू करने वाले लोग सही नहीं हैं, और संविधान कितना भी गलत हो, वो सही साबित होगा अगर उसे लागू करने वाले लोग काम करते हैं। तो ये जो हमारा भारतीय संविधान है, इसे जो लागू करने वाले लोग हैं, इनकी नियति सही नहीं है, इसलिए इसमें ये अपनी नियति, हमारे जो ग्रामीण लोग हैं, हमारे जो मूल निवासी हैं, संविधान के बारे में इन्हें ज़्यादा जानकारी हो नहीं पाई है, इसलिए हम उन्हें इस देशव्यापी महाजन जागरण अभियान के तहत हम उन्हें जानकारी दे रहे हैं,
संविधान के बारे में बता रहे हैं, जिससे वो समझ सके उनके लिए संवैधानिक क्या है, असंवैधानिक क्या है। इसको आप कितने फेस में कर रहे हैं? सर इसको हम 3 फेस में कर रहे हैं, जिसके तहत हमारा ये जो आंदोलन है, जन जागरण अभियान है, ये आगे बढ़ रहा है। और 17 तारीख को हम एक विशाल रैली करने वाले हैं, है ना। ये रैली हर जिले में होगी, इसमें भारी जन समूह एकत्रित होगा। और इसी कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए 20 तारीख को कलेक्टर महोदय के द्वारा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने वाले हैं धरना प्रदर्शन के द्वारा। और भी हमारी काफ़ी सारे कार्यक्रम चलते रहेंगे, इसे हम काफ़ी दिन तक करेंगे। जब तक हम जन जन को जागृत ना कर दें, तब तक ये आंदोलन नहीं रुकने वाला है। ये आंदोलन 4 महीने या 2 महीने, 1 साल के लिए नहीं है, पूरे भारतवर्ष में जब तक जन जन जागृत नहीं हो जाएगा, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। धन्यवाद साथियों, ये संविधान को लेके जगह जगह आंदोलन हो रहा है, शोषित वर्गों को अभी सुविधाएँ नहीं मिल पा रही हैं। इस कार्यक्रम में अभी इस संगठन के द्वारा जगह जगह ये आंदोलन और मूल निवासी द्वारा चलाया जा रहा है। ऐसी उम्मीद है, ऐसी आशा करता हूँ कि देश में संविधान को लागू करके और एक अच्छी दिशा में देश जाएगा और सभी को समान हक और अधिकार मिलेंगे।